तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, प्रणाम। आज हम बात करेंगे विमेन कैंसर इनिशिएटिव की, महिलाओं में हो सकने वाले कैंसर के बारे में बात करेंगे। कैंसर कौन से होते हैं, कैंसर क्यों होते हैं, कैंसर की जल्द अवस्था में कैसे पता लगा सकते हैं, कैंसर की रोकथाम कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो विमेन कैंसर प्रोजेक्ट है जो हमने यहाँ पर शुरू किया हुआ है, श्रीराम कैंसर सेंटर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में, जिसमें हम विमेन कैंसर के बारे में जागरूकता करते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं। डॉक्टर ललित मोहन शर्मा मेरा नाम है, मैं यहीं पर श्रीराम कैंसर सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। जब भी हम कैंसर की बात करते हैं, सबसे पहले आता है कि कैंसर की प्रिवलेंस कितनी है, कैंसर के कितने रोगी एक साल में देखे जाते हैं। तो हम देखें, करीब 30 लाख कैंसर की प्रेविलेंस है, इसका मतलब करीब 30 लाख रोगी एक समय में भारत में कैंसर से ग्रसित होते हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ नए भी जुड़ते हैं। 14 लाख इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब है एक साल में कितने रोगी कैंसर के देखे जाते हैं। 14 लाख रोगी भारत में एक साल में कैंसर के नए रोगी देखे जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कैंसर में, जो कैंसर का नाम आता है, ये मन में आता है कि कैंसर से डेथ तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरी या मेरे परिवारजन जिसको कैंसर हो गया है उसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। जो पेशेंट हमारे पास आता है, हर एक को ये खतरा रहता है कि मेरे बचने की संभावना है या नहीं है, जान का खतरा लगता है। काफ़ी बार ऐसा लगता है कि कैंसर डेथ सेंटेंस है। तो हम देखें, करीब 6.5 लाख कैंसर के रोगियों की हर साल डेथ हो जाती है, इसका मतलब करीब करीब 50% कैंसर के रोगियों की डेथ एक साल में होती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों कैंसर ऐसी भयावह बीमारी है, क्यों हमको मृत्यु का डर लगता है कैंसर होने के बाद में, मुख्य कारण हम देखें जो रियलिटी है, जो इंडिया में खासतौर से हम देखते हैं, 80% जो इंडियंस हैं वो डॉक्टर को तब कंसल्ट करते हैं जब उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब रिकवरी मुश्किल होती है। जैसे आप देखें, किसी को खांसी आ रही है, शुरू में नहीं आते, जब काफ़ी शरीर कमज़ोर हो जाता है, ऐसे नहीं हो जाती है, पीड़ा वेदना, सांस नहीं आता, ऑक्सीजन नहीं अंदर जा रही, तब हॉस्पिटल में लेके गाड़ी में लाद के लेके आते हैं। ऐसे ही हम अन्य जैसे फूड पाइप के कैंसर की बात करें, रोगी तब आते हैं जब उसका खाना निगलना एकदम बंद हो जाता, अपना थूक तक नहीं निगल पाते, तब अस्पताल में आते हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि अब आप फटाफट कोई चमत्कारी उपाय कर दो। सो हमें जल्दी आना चाहिए। दूसरी चीज आ गई कि 71% ऑफ डेथ जो होती है कैंसर से, वो यंग एज में होती है। यंग एज का मतलब 30 से 65-70 साल की उम्र के लोगों में कैंसर की डेथ होती है। अमेरिका की बात करें तो करीब 50% जो डेथ होती है वो 70 साल से ऊपर के लोगों में होती है, जबकि यहाँ पर यंग डेथ ज़्यादा होती है। हम लोग अपनी आंखों से रोज़ गुटखे से होने वाली, जर्दे से होने वाली, बीड़ी सिगरेट से होने वाली कैंसर और उसकी डेथ रोज़ देखते हैं। 70% ऑफ द डाई इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर डायग्नोसिस, इसका मतलब 10 में से 7 लोगों की डेथ कैंसर डायग्नोसिस के बाद एक साल के अंदर अंदर हो जाती है। आंकड़े भयावह हैं, डराते हैं, परंतु ये रियलिटी है, ये सत्य है। 50% जो कारण है कैंसर के, वो हमारी लाइफस्टाइल से सीधा संबंध है। लाइफस्टाइल का मतलब जो हम खाना खाते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, जैसा हम नींद लेते हैं, जो बीड़ी सिगरेट व्यसन करते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, उल्टी पुल्टी चीज़ें, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर सारे दिन खाते हैं, कचौरी समोसे खाते हैं, घूमते नहीं हैं, फिजिकली इनएक्टिविटी में रहते हैं, ये सब से 50% जो कैंसर हैं उसका मुख्य कारण हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली से है, जो हमारे हाथ में है। 15% जो कारण है वो माइनर्स में देखे जाते हैं, जो कि कारण काफ़ी पता नहीं है। अब आते हैं महिलाओं की बात हम करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इंडिया में देख रहे हैं कि करीब करीब 27% जो फीमेल्स में कैंसर होता है उसमें विमेन में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है। इसका मतलब 100 में से 27 औरतों को, जो कैंसर की औरतें देखें तो 27 को ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर की जो मॉर्टेलिटी रेट है, मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है मृत्यु दर, कि कितने लोगों की डेथ होती है, वो हम देखते हैं कि जो नॉर्मल डेथ होती है उससे कई गुना ज़्यादा है। यूएस की हम बात करते हैं तो कलेक्टिवली यूएस, इंडिया एंड चाइना अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल ब्रेस्ट कैंसर केसेज। इसका मतलब हमारे यहाँ से ब्रेस्ट कैंसर के रोगियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है,
चाइना में भी है, अमेरिका में ये टॉप मोस्ट कैंसर है, भारत में भी ये कैंसर अभी टॉप मोस्ट बनता जा रहा है। 1 out of 20 ओवरऑल इन 1 in 28 वीमेन आर लाइकली टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। इसका मतलब यदि इस कमरे में 28 औरतें हैं तो हम मानते हैं कि उस 28 में से एक को कैंसर हो सकने की रिस्क है। किसको हो सकता है कैंसर? हो सकता आप हो सकता आप हो सकता मेरे घर में कोई हो, आपके घर में कोई हो, किसी को भी हो सकता है। कैंसर कोई जात बिरादरी नहीं देखता, कैंसर कोई और चीज़ नहीं देखता है। ये हम डाटा देख रहे हैं जो लेट डिटेक्शन यदि होता है किसी की बीमारी का, लेट पता लगता है, पहली स्टेज में पता लगता है, 10 में से 8 से 9 रोगी पूर्णतया ठीक हो जाते हैं। लेट पता लगता है तो हम देखते हैं कि सर्वाइवल रेट जो है कम हो जाती है, ठीक हो सकने की संभावना 3 से 17% कम हो, 17 गुना कम हो जाती है। यही वजह है कि हम लोग कोशिश करते हैं जितना जल्द बीमारी का पता लगा सकें, हमें पूरी कोशिश करके बीमारी को अर्ली स्टेज में पिकअप करना, पहला काम प्रिवेंट करना जहाँ तक हो सके। यदि प्रिवेंट नहीं कर सकते, बच नहीं सकते, अर्ली स्टेज में पहली स्टेज में पता लगे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ट्रीटमेंट में कम तकलीफ है, कम खर्चा है और बीमारी पूर्णतया ठीक हो सकती है। ये हम देखते हैं लेट यदि डिटेक्ट होते हैं तो क्या होते हैं, उसमें जो खर्चा है वो 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। और काफ़ी परिवार ऐसे आते हैं जहाँ पर खर्चे की गुंजाइश बिल्कुल नहीं हो पाती है। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जिनके पास में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं होता, कैंसर का इलाज करना मुश्किल आता है। अर्ली स्टेज में कम खर्चा आता है, सरकार की कई सारी सुविधाएं हैं, अस्पताल कई सुविधाएं देती हैं, समाज सेवी संस्थान जो NGO जो वो कई सारी हेल्प करते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम अर्ली स्टेज में डॉक्टर तक पहुँचें। ये हम देख रहे हैं कि 2017 के आंकड़े बता रहे हैं कि जितनी ब्रेस्ट कैंसर से मृत्यु दर है वो भारत के आंकड़े सबसे ज़्यादा है, भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु है। ऐसा नहीं है कि भारत में बायोलॉजी खराब है, इसका मुख्य वजह है कि मरीज लेट अस्पताल तक पहुंच पाते हैं। हम देखते हैं कि फीमेल्स में जो ग्लोबोकैन एक एजेंसी है बेंगलोर की, जो ये डाटा के बारे में बताती है कि पूरे भारत में कितने कैंसर के कौन से रोगी होते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर करीब 27% फीमेल कैंसर को कंट्रीब्यूट करता है। सर्विक्स कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है वो हम देखते हैं सेकंड कॉमनेस्ट कैंसर है जो करीब 17% है। ये मेनली ग्रामीण महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर ज़्यादा होता है, शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन है। तीसरा कॉमन कैंसर ओवरी का कैंसर है, वो करीब 6% कैंसर होता है। इसके अलावा बाकी और कई सारे कैंसर हैं, परंतु हम मुख्यतः वीमेन की जब बात करते हैं तो देख रहे हैं 40-42% कैंसर सर्विक्स और ब्रेस्ट बच्चेदानी के मुंह का और स्तन कैंसर है। ये हम बात करते हैं मोर्टेलिटी की, इंसिडेंस बोलते हैं कि एक साल में कितने रोगी होते हैं, और लाल वाली जो हमको ग्राफ दिख रहा है ये दिखा रहा है कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो हम देख रहे हैं ब्रेस्ट से करीब 24.7 इधर है और 13.4 इधर, इसका मतलब करीब करीब आधे रोगियों की मृत्यु कैंसर से हो जाती है एक साल में। यदि हम देख रहे हैं 24.7 हमको मिलते हैं तो 13.4 लोगों की डेथ कैंसर से हो जाती है, आधे 50% डेथ, जो बहुत हाई है। हमें क्या करना है, इस रेड वाली बार को कम से कम करना है और नंबर भी कम हो, ऐसे उपाय करना है। हम आगे बात करेंगे कि कैसे उसके बारे में हम सोच सकते हैं। ग्लोबोकैन के डाटा बताते हैं कि एक साल में जो न्यू कैंसर केसेज आते हैं, 1,65,000 न्यू कैंसर केसेज 2018 में थे, और हम देखते हैं कि उनकी डेथ की बात करें तो करीब 87,000 जो 50% के करीब डेथ हुई है वो कैंसर से हुई है। सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह के करीब करीब 1,00,000 कैंसर के रोगी देखे गए हैं, और 60,000 लोगों की जो 60% लोगों की है उनकी डेथ इसी साल में हुई है। ऐसा बचाया जा सकता है, ये मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं। ज़रूरत है कि हम चौकन्ने रहें, हम डॉक्टर के बताए अनुसार काम करें, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो भी डॉक्टर से जाके हम दिखाएं और डिस्कशन करें। कैंसर स्टेटिस्टिक्स हम देख रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर जो ज़्यादातर भारतीय महिलाओं में देखा जाता है वो लोकली एडवांस, लोकली एडवांस का मतलब ब्रेस्ट में गांठ है, बगल में भी गांठ आ गई, ये तीसरी स्टेज कहलाती है। कैंसर की 4 स्टेज है, तीसरी स्टेज ये कहलाती है जिसमें बगल में भी गांठ है। तो हम देख रहे हैं करीब 60% रोगी हमारे पास तब पहुंचते हैं जब ब्रेस्ट की गांठ बगल तक असर कर गई है या इधर भी उसके लिम्फ नोड गांठें आ चुकी हैं। ये हम देखते हैं कि दूसरे जो अन्य कैंसर है उसमें भी लोको रीजनली हेड नेक कैंसर, जो मुँह के कैंसर है जो खासतौर से गुटखा खाने वालों में, पान चबाने वालों में,
तंबाकू खाने वालों में इनमें होते हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि करीब 60-70% लोग तीसरी स्टेज में पहुंचते हैं, जिसमें इलाज मुश्किल होता है, बचने की संभावना कम होती है। ये चौथी से जस्ट पहले की स्टेज है। जब भी कैंसर की बात करते हैं, हम देखते हैं कैंसर की जर्नी कैसे होती है, पेशेंट कैसे, हम कैंसर के पेशेंट को बचा सकते हैं। सबसे पहले इटियोलॉजी कि कैंसर क्यों होता है, कैंसर के कारण क्या है, क्या हम उन कारण की रोकथाम कर सकते हैं। रोकथाम के लिए हम देखते हैं कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है, जैसा हम सांस लेते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई बार धुआं इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे शरीर में 8-10 सिगरेट के बराबर धुआं रोज शरीर में जा रहा है। तो दिल्ली में जो रह रहा है वो आदमी 8-10 सिगरेट पीने के बराबर वातावरण में रह रहा है, जो उसकी बस की बात नहीं है, वो चाहकर भी इस वातावरण से नहीं छूट सकता है। जेनेटिक फैक्टर बंद करो, जेनेटिक फैक्टर जो है वो जेनेटिक फैक्टर हम मानते हैं कि यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसकी बेटी को भी हो सकने के रिस्क है। यदि किसी लेडी को कैंसर है ब्रेस्ट का, और उसकी माँ को, उसकी नानी को, उसकी मौसी को, मौसी की बेटियों को यदि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उसमें BRCA1 BRCA2 नाम का जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। यदि ऐसा है तो उसकी जांचें जल्दी होनी चाहिए, और उस औरत की बेटियों को भी वो रिस्क होती है, तो उनको हम बचा सकते हैं उस कैंसर से, जल्द अवस्था में पता लगा सकते हैं। औरतों को ही नहीं, उनके परिवारजन औरों को भी, जो मेल पर्सन है, प्रोस्टेट के कैंसर है, स्टमक के कैंसर है, उनसे भी उनका जल्द अवस्था में पता लग सकता है। भारत में हम बात करें तो करीब 15-20% जो कैंसर है वो इन्फेक्शन से संबंधित है। इन्फेक्शन कौन से हैं? सर्वाइकल कैंसर जो है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, वो HPV नाम के वायरस से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। यहाँ का एक गले का कैंसर होता है नेजोफेरिंजियल कैंसर, वो भी Epstein-Barr वायरस से होता है। कईयों के गले और गाल के कैंसर हैं, उसमें भी एक वायरस HPV नाम का होता है। पेट की बात करें तो स्टमक का कैंसर H. pylori नाम का कीटाणु होता है, उससे हो सकता है। लीवर कैंसर की बात करें तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इनसे लीवर का कैंसर हो सकता है। अच्छी बात यह है कि कुछ कैंसर के खिलाफ टीके उपलब्ध हैं, जिससे बचाव हो सकता है हमारा। प्रिवेंशन कब करते हैं हम लोग कि कैंसर हो ही नहीं, ऐसा कार्रवाई करें। ऐसा कब संभव है? जो कारक है जिस चीज़ से कैंसर हो रहा है, हम उसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करें। पुराने लोग जब रहते थे वैसा नहीं करते थे, जीवन यापन बहुत अच्छा करते थे। हम देखें सबसे बड़ी चीज़ जो प्रिवेंशन में है, टोबैको है। आज की तारीख में हम देखें महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में जितने कैंसर रोगी देखते हैं, 20-22% रोगी तंबाकू से होने वाले कैंसर से हमारे पास आते हैं। सुबह उठते गुटखा खाते हैं, पूरा दिन के लिए एक लड़ी गुटखे के साथ रखते हैं, यार दोस्त सब मिलके गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इसी को अपना हम समझते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा निकल रहा है, बहुत मज़े ले रहे हैं अपने जीवन। परंतु हम देखें कि तंबाकू से, यदि तंबाकू को रोक दिया जाए, अकेला सिंगल फैक्टर तंबाकू को यदि समाज से हम बंद कर दें, 40% कैंसर खत्म हो सकते हैं, 30% हार्ट अटैक खत्म हो सकते हैं, यदि सिगरेट और बीड़ी बंद हो जाए। आप सोचें कि एक छोटी सी चीज़ बंद करने से हमारे जीवन में कितना फ़ायदा है। परंतु हम लोग खुद नहीं चाहते, हम कहते हैं सरकार बंद करे, हम क्यों बंद करे, मिलती है इसलिए ले लेते हैं। डाइट की बात करें, खान पान कैसा करते हैं, डाइट में मुख्यतः देखा जा रहा है कि जो पुराने जमाने का खाना था, जो हमारी दादी और हमारी नानी खाना खाती थी, वो हमारे लिए बेस्ट फूड है, बेस्ट खाना है। हम लोग क्या करने लग गए? आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खाने लग गए। जितनी रिफाइंड चीज़ खाते हैं, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक है। बच्चे हमारे आजकल के देखते हैं तो बच्चे फाइबर वाली चीज़ नहीं खाना चाहते, बच्चे केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर ये खाना चाहते हैं। हम भारतीय राजस्थानी घी के बिना हम सोचते हैं कि जीवन ही नहीं, घी खूब खाते हैं। और पहले के लोग पचाते थे खा के, आज की तारीख में हम देखें तो लोग उसको पचा नहीं पाते, क्योंकि सारे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, घर से इधर उधर जाना होता है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, उसके बिना चलते नहीं है, तो उतने हैवी खाने को हमारा शरीर पचा नहीं पाता। उससे क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, हमारे हार्ट की नसें ब्लॉक होने लगती हैं, और कैंसर जैसी चीज़ें खतरनाक बनती हैं। फिजिकल एक्टिविटी, पुराने लोग सब खूब काम करते थे, खूब खाते थे, खूब मेहनत करते थे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज क्या हो गया? फिजिकल इनएक्टिविटी। भारत में हम देखें 10 में से 6-7 लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं, जो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, जो ऑफिस से घर आते हैं, घर जाके सो जाते हैं, फिर खाना पीना खा के वापस आ जाते हैं। तो फिजिकल इनएक्टिविटी कैंसर के कारण में से मुख्य कारण है, हार्ट अटैक का भी यही मुख्य कारण है। हम देखें HPV वैक्सीन, HPV वैक्सीन जो है
वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। उसका बचाव इस वैक्सीन से होता है जिसकी दो डोज दी जाती है, 9-10 साल की बच्ची को जब पीरियड शुरू होते हैं उस समय दी जाती है, और उससे सर्वाइकल कैंसर के अलावा 6 अन्य कैंसर हैं जिससे उस कैंसर जैसी भयावह बीमारी से बचाव संभव है। विदेशों में ऑस्ट्रेलिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, कुछ अन्य कंट्रीज की बात करें, सर्वाइकल कैंसर को इरेडिकेट करें, इरेडिकेशन का मतलब जड़ामूल उखाड़ फेंकना, जैसे हमने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया, हम कह रहे हैं पोलियो का एक भी केस नहीं, ऐसे HPV वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, उससे काफ़ी कंट्रीज पिछले 21 साल में जो एफर्ट कर रहे हैं वहाँ सर्वाइकल कैंसर खत्म हो रहा है, एक भी मरीज देखने को नहीं मिल रहा, और हम भारतीय 27% कैंसर को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड वाइड। ह्यूज नंबर है, बचाव संभव है, जरूरत किस चीज की, हम जागरूक रहें, हम प्रॉब्लम होने से डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। दूसरी अन्य चीजें जो हैं, अल्कोहल वगैरह का यूज है, बंद करो, बाकी चीजें हम और सेकंड टॉक में फिर बात करेंगे कि ये कैसे हम इसको अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। हम इलाज की बात नहीं करेंगे आपसे, इलाज करना तो डॉक्टरों का काम है, मरीज जब हमारे पास आता है हम उसकी कैंसर की स्टेज देखते हुए इलाज करते हैं, पर आपसे हम बात करेंगे कि रोकथाम कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। सो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।